खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। ठाकुर जी से कहती है मन ही मन, कसतीन बर बराह दे दे तुम्हें सुंदरता। आज तबला पूरी कथा में बजना है क्योंकि कल हमको काम गया है। महाराज आप संगीत कम करते हो, आनंद कहा तभी साधना कथा होगी। बोलो जय श्री सीताराम। खुशी है इस बात की कि भगवान को कभी भी बांटना नहीं चाहिए किसी पार्टी में या किसी व्यक्ति विशेष में। भगवान पे सबका अधिकार है और भगवान का उतना ही भक्तों पे भी अपना अधिकार है। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि सबको सद्बुद्धि दें और सब आपस में द्वेष छोड़ के जो सच्ची भक्ति है उसके प्रति काम करें और कम से कम ऐसी कथाओं में राजनीति ना आए। ये कथा सबके लिए है, यहाँ सब पार्टी के लोग आएंगे, सब जाति के लोग आएंगे और धार्मिक लोग तो आते ही हैं। तो उसमें मुझे खुशी होगी कि हम सब मिलके जो एक भगवान का पैगाम है आपस में प्यार बांटें और इंसानियत वाला वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रामलीला कमेटी ने पूरी तैयारियां की हैं, कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको, अनुभव कैसा लगा? नवयुवक रामलीला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इनका तो पुराना एक्सपीरियंस रहा है, ये हमेशा रामलीला कराते रहे हैं, बारात निकालते रहे हैं और इनका तो हमेशा धर्म कर्म में हमेशा इनका काम, नौजवान है सब काम करते रहते हैं और लोगों को सबसे बड़ी बात है कि धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ाते हैं, उनको जोड़ते भी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं इनको सच में दिल से बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मनोकामना पूर्ण हो, इनको भगवान ऐसी शक्ति देते रहे कि हर साल ऐसे ही ये कार्यक्रम करते रहे। देखिए धार्मिक मंच है, श्री भगवान का मंच है, यहाँ पे हर नेता का स्वागत है, हर आम आदमी का स्वागत है। इस मंच पे कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा जाएगा, भगवान का मंच है, यहाँ सबका स्वागत बराबर रूप से किया जाएगा, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, भगवान के मंच पर सब आमंत्रित हैं। क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है जनता को स्पेशल? सबसे बड़ी बात जो आज बिजाजिक जी ने अपने मुंह से बोला है कि किसी की फोटो नहीं लगी है, चाहे किसी दल का नेता हो। लेकिन मैं अपने अंदर की भावना से कहता हूँ कि हमारे विधायक श्री विनय मिश्रा, पूर्व एमपी महाबल मिश्रा और त्रिलोचन चौधरी, इन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी सहायता दी है। मैं रामलीला कमेटी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और महाबल मिश्रा ने सरल शब्दों में कहा था कि जहाँ तक ये धुन जा रही है, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ सबको सद्बुद्धि दे, दल कोई भी हो लेकिन भगवान सबके हैं। तो इस कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ा के कार्यक्रम मैं आपका, मीडिया प्रभारी की तरफ से, आपकी तरफ से और सभी की तरफ से महाबल मिश्रा को धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर प्रवीण जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप कई दिन से यहाँ अपना प्रोग्राम दर्शकों को दिखा रहे हैं। धन्यवाद। किसी नेता का फोटो नहीं है लेकिन आपके तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं। सर मैं चप्पल जूते की सेवा करता हूँ पूरी दिल्ली में, आप किसी भी कैंप में चले आइए, पानी की मशीन देख रहे, कैमरामैन से बोलूंगा पानी की मशीन की तरफ दिखाया जाए। सेवा तो अपनी जगह, फोटो की लगवा के साल जगह। सर मेरी ऐड है, मेरा ऐड से ही दाल रोटी चलती है। अब एमडीएच वाले मसाले को ले लो, आज ऐड नहीं करते। एयरटेल देख लो, एयरटेल वाले देख लो, कोई भी प्रोजेक्ट देख लो, हम घर बैठे कोई सामान नहीं बेच सकते। तो ये सुरेश बिहारी की ऐड तो चलेगी पूरी दिल्ली में और सेवा भी करता हूँ। आज मुझे